मुंबई शहर में रविवार देर रात से भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल रेलवे लाइन के ऑपरेशन पर असर पड़ा है। सोमवार सुबह लोकल ट्रेन 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही थी। एमजी रोड इलाके में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,600 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोपी नीरव मोदी लंदन स्थित अपने ज्वेलरी स्टोर के ऊपर फ्लैट में रह रहा है। न्यूज़पेपर द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जब नीरव का पासपोर्ट रद्द किया था, उसके बाद वह कम से कम 4 बार ब्रिटेन से बाहर गया है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के 20 से ज्यादा शहरों में ATM बदलकर 10 से 12 लाख रुपए की ठगी करने का आरोपी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया है। उसने YouTube पर वीडियो देखकर ATM कार्ड का क्लोन बनाने और रुपए निकालने का तरीका सीखा था। गुरुग्राम यानी गुड़गांव और फरीदाबाद के साथ अब हरियाणा का तीसरा शहर बहादुरगढ़ भी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस नेटवर्क का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। सऊदी अरब में महिलाओं के ड्राइविंग करने पर प्रतिबंध हटाने के बाद यहां की असिल अहमद फॉर्मूला 1 कार चलाने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि फ्रांस में हासिल की है। भाजपा के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का सोमवार को अंतिम दिन है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उपस्थित होकर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रोड मैप को संगठन के सामने प्रस्तुत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को महंत नृत्य गोपाल दास के जन्म उत्सव पर शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। करीब 1.5 साल के कार्यकाल में सीएम 5वीं बार अयोध्या पहुँच रहे हैं। वह यहाँ 2.5 घंटे रहेंगे पर रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। आज भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 100 तो निफ्टी 30 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। वही BSE में PNB हाउसिंग तो NSE में अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कल इंग्लैंड ने पनामा को 6-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज 1983 विश्व कप के ऐतिहासिक जीत को 35 साल पूरे हो रहे हैं। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने यह विश्व कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया था।